दोस्त, आज मैं आपको एक ऐसी चढ़ती जवानी और हवस की कहानी बताने जा रही हूँ, जहाँ एक जवान भतीजा जब रात के अंधेरे में अपनी चाची की हवस को पूरी तरह से नहीं मिटा पाया तो वह बेहद परेशान हो गया और परेशान होकर अपने ही दोस्त को अपनी चाची के ग्राउंड में उतार दिया। उसके बाद जो 61-62 गेम हुआ आपको देख लीजिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे ऐसे अप्लेयर यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। दरअसल दोस्तों, यहाँ रंजीत कुमार का अपनी ही चाची निराली के साथ कई महीनों से अफेयर चल रहा था। दोनों आए दिन रात का अंधेरे में मौका देखकर एक दूसरे के साथ अपनी शारीरिक इच्छाओं को पूरा कर रहे थे। इस बीच कभी भतीजा अपनी चाची के रूम में जाकर तो कभी उसकी चाची उसके रूम में आकर दोनों एक दूसरे के साथ लगातार धड़ल्ले से अपनी जिस्म की भूख को मिटाने में लगे हुए थे। हर बार की तरह एक रात जब निराली मौका देखकर अपने जवान भतीजे रंजीत कुमार के साथ 61-62 गेम खेलने में लगी हुई थी, तभी वह थोड़ी देर में निराश हो गई और निराश होकर अपने जवान भतीजे रंजीत कुमार से अलग हो गई और बोली, एक बात कहूं भतीजे, बुरा तो नहीं मानोगे? तभी उसका भतीजा रंजीत कुमार कहने लगा, कहो ना चाची, बुरा मानने वाली कौन सी बात है? आखिर तुम हमारी प्रेमिका हो और कोई भल अपनी प्रेमिका की बातों को बुरा मानता है? अगर तुम अपनी दिल की बात मुझसे नहीं कहोगी और मैं अपनी दिल की बात तुमसे नहीं कहूँगा तो फिर कौन किससे कहेगा? जिसके बाद उसकी चाची निराली बोली, तुम सही कह रहे हो भतीजे, लेकिन आज के बाद मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं 61-62 गेम खेलूंगी, क्योंकि मैं काफी दिनों से देख रही हूँ कि तुम मुझे पूरी तरह से खुश नहीं कर पाते हो और ना ही हमारे मन को शांत कर पाते हो। पहले की अब तुम्हारे में वो दम नहीं जो तुम मुझे खुश कर सको। लगता है अब मुझे कोई दूसरा ऑपरेटर ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा परफॉर्मेंस बढ़ने की बजाय दिन प्रतिदिन गिरता ही रहा है। जवान खूबसूरत चाची के मुंह से ऐसा शब्द सुनते ही उसका भतीजा रंजीत कुमार दुखी हो गया और बोला, ऐसा मत कहो चाची जी, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ बल्कि पाना चाहता हूँ। अगर हमारा परफॉर्मेंस तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो एक बार हमारे दोस्त का परफॉर्मेंस देख लो। उसका परफॉर्मेंस बहुत ही अद्भुत है। जिस भी ग्राउंड में वह बैटिंग किया है आज तक उस ग्राउंड का खिलाड़ी कभी उसे बोल्ड नहीं कर पाया है। वे हमेशा ही नॉट आउट होकर आया। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम उसकी परफॉर्मेंस से बिल्कुल खुश हो जाओगी और तुम्हारी अंतरात्मा भी तृप्त हो जाएगी। अगर तुम कहो तो मैं अभी इसी वक्त फोन करके उसे बुला लूं। अब जैसे ही रंजीत कुमार की चाची रंजीत कुमार के मुंह से इस तरह की बातों को सुनी तो वे अंदर ही अंदर बेहद खुश हो गई और खुश होकर सोचने लगी, मौका बहुत अच्छा है, क्यों ना इस मौके का फायदा उठा लिया जाए। इसी बहाने दो जवान मर्दों के साथ बारी बारी से 61-62 गेम खेलने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। इस तरह की बातों को रंजीत कुमार की चाची बार बार अपने मन के अंदर सोच ही रही थी, तभी उसका भतीजा रंजीत कुमार बोला, क्या सोच रही हो चाची, इससे बड़ा मौका अब तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। हम दोनों मिलकर तुम्हें सारी सारी रात खुश करूंगा। तभी उसकी चाची निराली बोली, अगर ऐसी बात है भतीजे तो तुम अपने दोस्त को बुला लो, क्योंकि मैं भी सारी सारी रात 61-62 गेम खेलना चाहती हूँ, वो भी तुम्हारे मन मुताबिक। फिर क्या था, जवान खूबसूरत चाची की तरफ से हरा सिग्नल पाते ही रंजीत कुमार बेहद खुश हो गया और फोन करके अपने दोस्त मनजीत कुमार को घर बुला लिया। अब जैसे ही रंजीत कुमार का दोस्त मनजीत कुमार रात के अंधेरे में उसके घर पहुंचा तो वैसे ही मौका देखकर होशियारी दिखाते हुए रंजीत कुमार तुरंत उसे अपनी चाची के ग्राउंड में उतार दिया। रंजीत कुमार का दोस्त मनजीत कुमार जवान था और जवान के साथ साथ वह भी कुंवारा था। जैसे ही अपने दोस्त की जवान खूबसूरत चाची के ग्राउंड पर दस्तक दिया तो वैसे ही अपना बल्ला मजबूती से पकड़ कर धक्के पर धक्का और छक्के पर छक्का मारने लगा। जीवन में पहली बार रंजीत कुमार की चाची
निराली किसी मजबूत बल्लेबाज के सामने गेंदबाजी करके बेहद खुश थी और लगातार ग्राउंड के चारों तरफ घूम घूम कर उसके साथ 61-62 गेम खेलने में लगी हुई थी। कुछ देर 61-62 गेम खेलने के बाद जब दोनों की आत्मा तृप्त हुई और मन शांत हुआ तो दोनों एक दूसरे के परफॉर्मेंस के दीवाने हो गए और दीवाने होकर हर रात हर दिन मौका मिलने पर 61-62 गेम खेलने लगे। जब समय के साथ साथ धीरे धीरे रंजीत कुमार के चाची का प्यार रंजीत कुमार के दोस्त के ऊपर हावी हुआ तो वे अपने जवान भतीजे रंजीत कुमार को इग्नोर करके उसकी चोरी छुपे उसके दोस्त मनजीत कुमार से मिलने लगी। जब इस बात की भनक एक दिन निराली के भतीजे रंजीत कुमार को लगी तो मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और वह तुरंत अपनी चाची निराली के ऊपर गुस्से से आग बबूला हो गया और दबे पांव उसके पास पहुंच गया। अब जैसे ही रंजीत कुमार अपनी चाची निराली के पास पहुंचा तो वैसे ही उससे कहने लगा, आखिर क्या कमी थी हमारे में जो तुमने मुझे धोखा दिया? यही कमी थी ना कि तुम्हें खुश करने के लिए अपने दोस्त को तुम्हारे ग्राउंड में उतार दिया। जिसके बाद उसकी चाची निराली बहाना बनाते हुए बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मैं तुमसे प्यार पहले भी करती थी और आज भी कर रही हूँ। अगर विश्वास न हो तो अपने दोस्त से पूछ लो, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा कि मैं तुम्हारे दोस्त को सबसे ज्यादा चाहती हूँ या फिर तुम्हें। जिसके बाद उसका भतीजा रंजीत कुमार कहने लगा, दोस्त से क्या पूछ लो, उसे तो तुम पढ़ाकर पास कर दिया होगा आखिर है तो तुम्हारा ऑपरेटर ही। तभी उसकी चाची निराली बोली, ऑपरेटर तो तुम भी हमारे हो, क्या क्या नहीं तुम्हारे साथ गुल खिलाया है, मगर अब तुम हमारे ऊपर विश्वास ही नहीं कर रहे हो तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। ऐसा कहकर उसकी चाची अपने रूम में चली गई और अपने जवान भतीजे रंजीत कुमार के दोस्त मनजीत कुमार के पास फोन लगाकर कहने लगी, क्या कर रहे हो मेरे जान? तो मनजीत कुमार कहने लगा, कुछ नहीं बस ऐसे ही बैठा था, बताओ तो क्या बात है? तभी निराली बोली, क्या बताएं मनजीत कुमार, हमारा भतीजा यानी तुम्हारा दोस्त रंजीत कुमार अब हम दोनों के ऊपर शक करने लगा है, कहीं ऐसा ना हो कि वे यह सारी बात हमारे पति को बता दे, नहीं तो सब बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। तभी उसके भतीजे का दोस्त मनजीत कुमार कहने लगा, चिंता मत करो निराली, अगर ऐसी बात है तो तुम हमारे साथ कहीं दूर भाग चलो, नहीं तो सब बना बनाया काम बिगड़ सकता है और तुम हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर हो सकती हो, क्योंकि अब हम दोनों उसे बार बार इग्नोर कर रहे हैं। जिसके बाद निराली मान गई और एक रात मौका देखकर अपने भतीजे के दोस्त मनजीत कुमार के साथ घर से फरार हो गई। तो देखा दोस्तों, आपने आजकल समाज में ज्यादा मजा लेने के चक्कर में अक्सर ऐसी घटनाएं घट रही है, इसलिए आप आपराधिक मानसिकता को समझें और आपराधिक मानसिकता वाले व्यक्तियों से हमेशा